इस लॉकडाउन की वजह से जो असरात आम आदमी के ऊपर गए, गरीब लोगों के ऊपर गए, तनख्वाहदार पे गए, जो दिहाड़ीदार था, जो छाबड़ी वाले थे, ये सारा एक बहुत बड़ा तबका मुतासर हो गया। सबसे पहले तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है, लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। लॉकडाउन से गरीब तबका ज्यादा मुतासर है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स से खिताब, कहा लॉकडाउन खोलने के लिए शरायत रख रहे हैं, हुकूमत या इंतजामिया अकेले कुछ नहीं कर सकती, हमारा मुल्क पहले ही मुश्किल में था। पूरा शहर मफलूज कर दिया मगर फिर भी कोरोना फैल रहा है। सिंध हुकूमत के तमाम इकदाम नाकाम हो गए। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ताजिरों को कर्जे दिए जाएं, टैक्स कम या खत्म किया जाए, 24 घंटे कारोबार खोलकर शनाख्ती कार्ड के जरिए पाबंदी लगाएं। ये भी कहा अपने घर का फर्नीचर बेचकर भी लोगों की मदद करना पड़े तो करेंगे। मुआवन खुसूसी ईमानदार का कहना है कि सिंध हुकूमत ने टाइगर फोर्स के साथ काम करने से इनकार कर दिया। सिंध में 1.5 लाख से ज्यादा नौजवान टाइगर फोर्स का हिस्सा बने। टाइगर फोर्स गैर सियासी है, उस पर सियासत न की जाए। लॉकडाउन की पॉलिसी देर पर नहीं, हम मिलकर कोरोना के साथ जंग लड़ सकते हैं। मुआवन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की गुफ्तगू, कहा 10 लाख अफराद टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड हुए, रजाकारों में 1800 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। सारे काम लगता है कागजों में हो रहे हैं, कोई नहीं बता रहा इदारे क्या काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का कोरोना खुद नोटिस केस में इजहार बरहमी, कहा जिनका रोजगार गया उनसे पूछे कैसे गुजारा कर रहे हैं। जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा यकसा पॉलिसी ना बनी तो अदालत अबूरी हुक्म दे सकती है। कोरोना वायरस के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 22 अमवात। पाकिस्तान में अब तक 462 अफराद जान बहक हो चुके, मजीद 1083 केसेज रिपोर्ट। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 20,186 हो गयी। कराची में कोरोना का शिकार डॉक्टर फरकान को वेंटिलेटर ना मिल सका, अहले खाना 2 घंटे तक मुख्तलिफ अस्पतालों में मारे मारे फिरते रहे। मरहूम डॉक्टर की अहलिया में भी कोरोना वायरस की तस्दीक, सीओ इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी कहते हैं शहर में बहुत से वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात, पार्लियामानी उमूर और कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा कोरोना से बचाव के लिए बलूचिस्तान की भी मुकम्मल मदद कर रहे हैं, सूबे की आवाम के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे, तमाम मसाइल बरोए कार लाएंगे। नैब सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसालें कायम कर रहा है, शहबाज शरीफ ने नैब को तमाम सवालात के जवाब जमा कराए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आटा चीनी चोरों से नैब कोई सवाल क्यों नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब अपोजिशन जमातों पर बरस पड़े, कहा कोरोना पर सियासत करना अलमिया है, कौम मनफी सियासत करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। वाज़े किया कि अपोजिशन रहनुमा जहन नशीन कर ले, आवाम की खिदमत खोखले नारों से नहीं होती, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए साथ खड़ा होना पड़ता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 195 पॉइंट्स कमी, 100 इंडेक्स 33,916 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में रुपए के कदर में मुसलसल बेहतरी, डॉलर 26 पैसे सस्ता होकर 159 रुपए 91 पैसे पर बंद। और राज न्यूज की रमजान ट्रांसमिशन बारान रहमत जारी, सियासी रहनुमा फारूक सत्तार की प्रोग्राम में शिरकत, उलमाए कराम की दीन इस्लाम पर सैर हासिल गुफ्तगू।